अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है विद फैंसी ड्रेस डिज़ाइनिंग। उस पर एक सीरीज़ चल पड़ी है यूट्यूब के, तकरीबन सब चैनल्स पे वो सब जो है कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड वीडियोज़ दिखा रहे थे। तो मेरा भी जैसे ये ड्रेसेस रेडी हो गया है, बाई चांस ये भी ग्रीन थे, तो मैंने कहा आज मैं आपको ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ फैंसी ड्रेस डिज़ाइन बता दूँ। ये गोटा वर्क है, इसकी स्लीव्स थी, ये फुल फ्लेयर थी आगे, और ये इसका दामन है। लार्ज साइज़ के इसमें मिरर लगे हुए हैं, गोटे की डोरियां हैं, स्मॉल पत्तियां भी ऐड की गई हैं, और साथ ही ये छोटे छोटे स्टार भी लगाए गए हैं। ग्रीन कलर के बीड्स हैं। ये इसका फ्रंट लुक है। बैक भी इसकी बहुत खूबसूरत है, फ्रंट को लाइट रखा गया है और बैक को जो है वो हैवी रखा गया है। तो अभी मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। ये इसका बैक लुक है, फुल हैवी जाल है इसके ऊपर, मेहंदी का ड्रेस है ये, बाजुओं पे भी फुल जाल और बैक पे भी फुल जाल, तो और अच्छा जो था इसका कॉम्बिनेशन बन रहा था। डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन आजकल जो है वो बहुत यूज़ किए जा रहे हैं मिक्स करके। बहुत अर्सा पहले शायद जब हम छोटे थे तब भी इसी तरह के कॉम्बिनेशन आए थे। मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरी अम्मी के भी कुछ ड्रेसेस ऐसे होते थे। ये इसका दुपट्टा है, बड़ा फ्लावर लगा के गोटे का सेंटर में जो है फिक्स मिरर लगाया गया है, और ये जरी की जो लेस लगती है दुपट्टों के ऊपर गोटे वाली, ये वो लगाई गई है। मेरे पास तो सिर्फ दुपट्टे और शर्ट का ऑर्डर आया था, मे बी वो इसे किसी शरारा या गरारे के साथ पहनना पसंद करेंगी, ये मुझे आइडिया नहीं है, बट ये टू पीस का ऑर्डर था। ये सेकंड ड्रेस है, जो पिछला था वो थोड़ा लाइट ग्रीन था, ये बिल्कुल फ्रेश ग्रीन है, ये भी गोटा वर्क के साथ ही है। इनके इस ड्रेस के साथ जो उन्होंने वेयर करना है नीचे वो शरारा है, मेरे पास तो नहीं, वो उन्होंने अलग से शायद रेडी करवाया होगा। ये इसकी स्लीव्स हैं, इस पे भी गोटे की जो है डोरियां अटैच की गई हैं, अंदर जो है रेड कलर की पाइपिंग है। हैवी टसल लगाए गए हैं इसके ऊपर फ्रंट पे बिल्कुल, वो भी गोल्डन कलर में ही हमने कॉम्बिनेशन उसको सेट किया गोटे के साथ। इंडियन टसल हैं ये, 500 की रेंज है इनकी। दामन पे जो है वो दोनों साइडों से वो लगाई गई है, सितारों की लैस लगाई गई है, और अंदर से जो है हमने इसकी हेमिंग करवाई है, मशीन से सिलाई नहीं लगवाई ताकि सॉफ्ट टच आए। इसी तरह बैक भी है ये, दुपट्टे में डार्क रेड कलर जो होता है वो हमने ऐड किया हुआ है, क्योंकि उनका शरारा जो था वो इसी कलर का था। दुपट्टा भी फुल हैवी है, फोर साइडेड बॉर्डर है इसका। ओ सॉरी, ड्रॉप हो गया, मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ आपको। उस तरीके से जब मैंने इसको ठहराया तो ये ड्रॉप हो गया था, तो मैंने कहा इसको अलग से हैंगर में मैं ठहरा के दिखाऊं आपको। दुपट्टे के अंदर जो है फुल लेसेस से बनाई गई हैं डोरियां, और ये इसका बॉर्डर है। अगेन आप देख लें कि कलर इसका बहुत फ्रेश है जो इसके ऊपर लगाया गया है, शमोज के साथ अटैचमेंट है इसकी। मे भी शायद आपको वीडियो में जो है इसका कॉम्बिनेशन इतना वाजे ना हो रहा हो, बट ये जब मैं पिक्स लगाऊंगी अपने पेज पे
तब आपको लोगों को ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा। ये भी ग्रीन कलर का ड्रेस है, लेकिन ये एक्वा ग्रीन है, वो फ्रेश ग्रीन थे, ये एक्वा ग्रीन है। बिकॉज कलर कम्बिनेशन दिखा रही हूँ तो उसमें जो कलर, सबको पता है कि कलर की जो सीरीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, एक कलर में फिर बहुत सारे उसके जो हैं शेड आ जाते हैं, फैमिली जैसे कलर्स फैमिली होती है इसी तरह से। ये इसकी स्लीव्स हैं, इसके ऊपर भी गोटा से अटैचमेंट की गई है। ये जितने ड्रेसेस होंगे ये सबके एम्बेलिशमेंट जो है वो गोटा वर्क से की गई है। टसल है साइड पे क्योंकि ये फुल अंगरखा स्टाइल है। फ्रंट पे भी बैक पे भी इसका जो दामन है चारों तरफ इसका बॉर्डर बनाया गया है। स्लीव देख लें आप, ये भी टू पीस ही था, हमें इसका भी आइडिया नहीं है कि ये उन्होंने कैसे कैरी करना है। ये इसका दुपट्टा है नेट का, दुपट्टे के फोर साइडेड पे जो है समोसा लेस लगाई गई है गोल्डन, और इसका कॉम्बिनेशन भी लेस का ड्रेस के कॉम्बिनेशन से मैच किया गया है। ये लास्ट ड्रेस है तो ये ग्रीन, लेकिन इसकी जो शर्ट है वो रेड है, कलर को मिक्स किया गया है, रेड रेड शर्ट के साथ ग्रीन दुपट्टा, और ग्रीन ही इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र तो मेरे पास नहीं है, वो उनके अपने पास होगा। ये देख लें दुपट्टा एप्लिक वर्क के साथ फ्लावर बनाए गए हैं, उन फ्लावर्स के जो अंदर है गोटे के छोटे फूल लगाए गए हैं, और ये टसल लगाया गया है फ्रंट पे। ये भी बहुत हैवी टसल सा है, ऑलमोस्ट 400 to 500 की रेंज में है ये भी। और ये दुपट्टा जो है ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड कह लें सलमा ने रेडी करवा के दिया था, मतलब ये ड्रेस उन्होंने रेडी करवा के दिया था। मुझे किसी ने ऑर्डर किया था और ये ऑर्डर मैंने उनको डिलीवर किया था, तो ये उन्होंने रेडी करवाया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेडी करवाया उन्होंने। नीचे जो है शिमर के साथ अटैचमेंट की गई है, शिमर और फैब्रिक वर्क के साथ इसको सारा टच किया गया है। अब दुपट्टा दिखाती हूँ मैं, ये अलग से दुपट्टा देख लें, और माशाल्लाह से दुपट्टा जो है हमें बहुत बहुत पसंद आया। जब मैंने पिक्स अपने क्लाइंट को सेंड की वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी जब वीडियो बना रही थी तब तक तो ड्रेसेस उन तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन पिक्स मैंने पहले सेंड कर दी थी। ये सारे दुपट्टे में गोटा का स्प्रेड डाला गया है। ये दुपट्टा वैसे तो हर जगह हर पेज से आपको मिल जाएगा, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टच दिया है, और मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं सलमा का लिंक भी डाल दूँगी ताकि आप उसको भी ज्वाइन कर लें। और ये मेरा पहला ऑर्डर था जो मैंने सलमा को दिया था, हमने 5 दुपट्टे उनसे रेडी करवाए थे और माशाल्लाह से सब बहुत बहुत अच्छे बने। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि उससे पहले मैं महरीन काशिफ से बनवा रही थी, ये बहुत अर्जेंटली आए थे तो हमने सलमा को दिए थे। ये देखिए लेस भी लगाई गई है गोटे वाली, तो महरीन काशिफ का जो पेज है वो है लुक्स ट्रेडिशनल बाय महरीन, और सलमा का मैं लिंक डाल दूँगी, और ये दोनों बहुत अच्छा काम करती हैं।